जानती हैं कि आजकल के बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं, मॉडर्न ख्यालात के हैं, तो बेस्ट होगा कि अकेले में थोड़ी मुलाकात कर ले। देखिए दरअसल बात यह है, मेरे ख्याल से आजकल के बच्चों को पहले से ही एक दूसरे को जान लेना चाहिए। हम जरा ठीक है ना, मैं और रचना साथ में चले जाते हैं। मतलब रचना मेरे साथ रह सकती है, ठीक है रे? हाँ क्यों नहीं, ठीक रहेगा। बेस्ट है, बच्चे खुश हम भी खुश। जाओ जाओ जाओ, चले चलो रचना। गुंजन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? आई मीन बहुत बात करती है, इसका बस चले ना तो सारी की सारी बात एक ही बार में बोल दे। आई एम सॉरी फॉर दैट। नो इट्स ओके, आई डोंट माइंड। अरे दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। अकेला छोड़ दो ना उन्हें, अंदर भी साथ में चिपकी हुई थी। लेटन भी तो कहता ना गुंजन। बहुत समझदार भाई है। हाँ हाँ वो तो है भाई, आफ्टर ऑल लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट की जो बात है, इतना बड़ा फैसला, सामने वाला इंसान कैसा है, उसकी पसंद ना पसंद, उसके सीक्रेट, ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना फैसला भी ये सब सोच समझ के लिया था। क्यों गुंजन? अब मयंक, इन्होंने नाश्ते के बाद से पानी नहीं पिया, प्लीज इनके लिए ग्लास पानी ले आओगे, मुझे भी प्यास लग रही है। हाँ हाँ why not? अब और कुछ चाहिए आपको? No thanks. Thanks. You're welcome. चलो। रचना, make sure कि मयंक ऊपर नहीं आ सके, ठीक है? Oh man, तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी desperate हो? I like it. चले। Wow, wow man, what a talent! तुम्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले नीचे कितनी शरीफ बन रही थी, और अब देखो। नहीं नहीं छोड़ क्यों दिया, पकड़े रहो। क्या है ना, मेरा मैजिक कुछ है ही ऐसा कि हर लड़की यही करना चाहती है। I understand, it's okay. Listen विहान, सब कुछ इतना ऑब्वियस मत करो। I mean, बाहर अकेले में मिलना, it's all okay. लेकिन ऐसे सारी दुनिया के सामने, and तुम्हें पता है ना, मेरी फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली है, और ऐसी फैमिलीज़ में लड़के की शादी सिर्फ लड़की से नहीं, पूरे परिवार से होती है। इसीलिए प्लीज तुम मेरी फैमिली से बातें करो, सारा टाइम बस मुझे घूरते मत रहो, इट्स नॉट नाइस। और वैसे भी मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हमारी अभी सगाई नहीं हुई है, and मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है। Yeah, I know. हिटलर के रिश्तेदार लगते हैं वो मुझे। Really? तुम्हें कैसे पता? वो चेहरा देख के पता चलता। Smart observation, विहान। Anyway, मैं क्या कह रही थी? हाँ, तुम्हें मेरी पूरी फैमिली से बात करनी चाहिए, चाचा चाची डोलू। Really? देखो I can understand, उनसे बात करने में थोड़ी मुश्किल होगी, I mean, तुम उन्हें जानते नहीं हो, बट यू हैव टू ना, आफ्टर ऑल दे आर माय फैमिली। अच्छा बड़े नहीं तो रचना से तो बात कर ही सकते हो। Yeah, I know. अब तो हम डेट्स पे जाते ही रहेंगे। Cool. कहाँ है वो? वो
ऊपर। अरे वो ऊपर है तो तुम नीचे खड़ी क्या कर रही हो? वो तू जाके उससे बात करो, तुम्हारी शादी होने वाली है उससे। अब लेकिन भैया, अब हम क्या बात करें? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए गुंजन हमारे लिए उससे बातें कर रही है। और अब उससे अच्छा हमें और कौन जानता है ना? अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुम वहाँ रह तो सकती हो। चलो आओ, चलो चलो। अब नहीं नहीं भैया, हम यहाँ ऐसे ही ठीक है। वो पूजा का टाइम भी तो हो रहा है ना? चलो ना, आओ चलो। नहीं नहीं भैया, जल्दी चलो, सबको पूजा के लिए बुला रहे हैं। हाँ हाँ भैया, आप चलिए, हम उन्हें बुला कर लाते हैं। You know, it's not about just food and clothes. Mera pura taste western ho chuka hai. It's like everything. Movies, shopping. Aap, Gunjan, aap sab niche bula rahe. Wo pooja shuru hone wali hai na, iske liye. Vihan, pooja start hone wali hai, chale. Vihan, yaad rakhna, Rachna se baat karni hai. Yeah. क्यों माय डियर विहान, बहू से ठीक से जान पहचान हो गई ना? आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, रियली, बट नॉट इनफ। आई मीन, मैं आप लोगों को और जानना चाहता हूं। And especially Rachna. मैं तुम्हें और जानना चाहता हूं करीब से। My dear विहान, तुम भी ना टू मच हो। अरे इतना उतावलापन किस लिए? पूरी जिंदगी पड़ी है उसे जानने के लिए, पहचानने के लिए। हा? लेकिन एक चीज की तसल्ली है कि हमारी चॉइस तुम्हें दी बेस्ट लगी। हाँ, और दयाल साहब, सगाई की तारीख जल्दी से तय कर दीजिए। बेस्ट होगा, दी बेस्ट। हाँ, चलिए आरती शुरू करते। आओ बेटा, आरती गाओ। तो आज हम हमारी बहू के हाथों से ही लेंगे। क्या?
क्या है ना, धनतेरस के दिन अपनी बहू के हाथों से आरती लेना बेस्ट होगा। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपका पूरा हक बनता है। हम आपकी बहू को आरती देते हैं। बेटा, रचना की सास चाहती है कि बहू से आरती दे। तुम क्यों ले रही हो आरती? मौसी जी, मुझे सबको आरती देना अच्छा लगता है, लेकिन बेटा आइस पैक है। हम बर्फ लेके आते हैं बाद में। गुलशन, ज्यादा जल रहा है क्या? दिखाओ तो। रचना, तुम सबको आरती दे दो। हाँ सावित्री जी, हम बस अभी आए। रचना बेटा, इन्हें आरती दो। आओ हमारे साथ, पानी के नीचे डालते हैं हाथ। आओ, खुश रहो, सदा सुखी रहो। तुमसे आरती लेकर आप पर तृप्त होगी। बेटा, ये हमारी ओर से एक छोटी सी भेंट। थैंक यू। और सावित्री जी, ये आपकी। शैल जी, इसकी क्या जरूरत थी? समधन जी, ये तो सास का नेग है, धनतेरस की पूजा है, और आपको खाली हाथ लौटने देंगे क्या? बेस्ट है। चलिए शैल जी, अब हम चलते हैं। आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आप सबको भी धन्यवाद। सावित्री जी, अगर हमारी ओर से कोई कमी रह गई हो तो माफ कीजिएगा। शैल जी, सारा इंतजाम दी बेस्ट था। हाँ, एक बात कहूँ समधन जी, एकदम बेस्ट तो हमारे दामाद जी है। हमारे बेटे का सौभाग्य है जो इतना अच्छा घर और वर मिला। एग्जैक्टली, ये बात तो हम भी कहेंगे कि हमारा बेटा वर्ल्ड बेस्ट है। हाँ, कम ऑन मॉम, लेट्स गो। देवी जी, अब आगे हो तो चले, वरना आपकी बातें तो दिवाली तक खत्म नहीं होंगी। अब आएगा पटाखे फोड़ने का असली मजा।
आप सुनो सुनो, हाँ बताओ बताओ। अर्ज किया है, मिस्टर विहान समझते हैं अपने आप को महान, और धीरे से मैं निकालूंगी उनकी जान और बंद करेंगे उनकी जहरीली जुबान और उतारेंगे उनकी मेड इन लंदन वाली शान। वाह 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 वाह, अब पता चलेगा मिस्टर ओवर स्मार्ट को गुंजन ऐसे चने चबाएगी कि शरबत पीना मुश्किल हो जाएगा। गुंजन तुमने कमाल कर दिया, मतलब उसे पता ही नहीं चला कि सीता कौन है और गीता कौन। ओ रचना आई एम सो हैप्पी, क्या उल्लू बनाया उसको, ओ सॉरी क्या उल्लू बनाया जीजा जी को, वो भी क्या याद रखेंगे कि एक ऐसी साली मिली है जो 10 सालियों के बराबर है। क्या हुआ रचना, जीजा जी की याद आ गई? नहीं गुंजन, और प्लीज इसे बार बार जीजा मत बुलाओ। तो फिर क्या बुलाऊं, विजय विहान जीजू या फिर कुछ और? रचना तुम्हारी उससे शादी होने वाली है तो वो मेरा जीजा ही हुआ ना। वही तो बात है, हम उनसे शादी करने की सोच ही नहीं सकते, अब तक राजीव सर को नहीं भुला पा रहे हो। रचना हमने डिसाइड किया था ना कि राजीव सर के आगे भी जिंदगी है, कि हमें आगे बढ़ना है बिना पीछे मुड़े। रचना नो वन इज वर्थ क्राइंग ओवर, देखो विहान भी अच्छा लड़का है लेकिन तुम उसे थोड़ा मौका तो दो, धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। मानती हूँ कि उसमें थोड़ा सा एटीट्यूड है लेकिन उसके लिए डॉक्टर गुंजन है ना, उसका इलाज करने के लिए रोज रोज उसे ऐसे ही मजे चका कर ना लाइन पर ले आऊंगी। आज के बाद फिर कभी नहीं गुंजन, आज पकड़ने के इसका मतलब ये नहीं कि किस्मत हमेशा हमारा साथ देगी। रिलैक्स रचना। नहीं नहीं किसी दिन हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आई डोंट बिलीव दिस, विहान का मैसेज आएगा। कल दिवाली है और मैं बनूंगा राजा श्री राम, कल टाइम मिले या ना मिले, सो हैप्पी दिवाली इन एडवांस। देख रही है सीता जी कितना एटीट्यूड ठूस ठूस के भरा है आपके राजा श्री राम में, अपने ही फियांसे को दिवाली विश करने का टाइम नहीं होगा। जाने दो ना गुंजन, क्या फर्क पड़ता है विश करे या ना करे, छोड़ो उसको अभी। ऐसे कैसे छोड़ दूं, अपने जीजा जी को तंग करने का मौका बार बार थोड़ी ना मिलेगा, अभी से स्टॉप बटन मत दबाओ। I'm going to play with him for some more time. कुंजन तुम पागल हो गई हो, ये क्या बचपना है? It's called मस्ती, बस थोड़ी और देखना किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। नहीं भैया को भी नहीं आ? ठीक है उसे भी नहीं। हे भगवान हमें क्या हो गया है, हम तुम्हारी इस पागलपन और बदमाशी का हिस्सा बन रहे हैं। दो बदमाश जिन्हें कोई ना कर पाए तलाश। शैल जी हमारी रचना कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। शैल जी बहुत अच्छा लगा दामाद जी से मिलकर, बहुत ही बढ़िया परिवार है। मन में जितनी भी शंकाएं थी सब दूर हो गई। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मन से जैसे एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया है। वैसे हमने रचना का रिश्ता बड़ी जल्दबाजी में कर दिया था और फिर काफी समय से दामाद जी से मिलना ही नहीं हो रहा था, क्यों दिल में घबराहट सी थी कि कहीं जल्दबाजी में हमने रचना के साथ कोई नाइंसाफी तो नहीं कर दी। लेकिन आज इन सब से मिलकर हम पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि हमारी रचना बहुत ही खुशनसीब है, उसे ऐसा लड़का मिला है। हमें पूरा यकीन है कि सारी जिंदगी वो उसे खुश रखेगा। वैसे आज हमारी दोनों बेटियों का घर बस गया जी, कितना अच्छा होगा ना अगर दोनों की शादी एक ही दिन हो जाए। हाँ शायद, पर इसके लिए हमें पीहू को भी शुक्रिया कहना चाहिए जी, वही तो ये रिश्ता लेकर आई थी। एकदम राम सीता की जोड़ी लग रही थी।